नाउ स्टूडेंट्स अभी हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि कीवर्ड और रेलिवेंट वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है नाउ लेट्स ट्राई टू प्ले अ वेरी वेरी सिंपल गेम एज्यूम करें कि आपने कोई वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट बाइक्स या बाइक से रिलेटेड जो एक्सेसरीज हैं उसके बारे में कुछ कॉन्टेंट बताएगी यानी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंटरेस्टेड इन बाइक्स या बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज हैं वो मैं सर्च करना चाहता हूं तो आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है इससे मिलता जुलता नाउ नेक्स्ट स्टेप जब आपने ये फाइंड आउट करना है कि जो वेबसाइट आप बनाएंगे उसमें कंटेंट मिलता जुलता कौन सा होना चाहिए या क्या कंटेंट मैं वेबसाइट में डालूं कि मेरी वेबसाइट सर्च में ऊपर आए तो अब इसमें इसके अंदर कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये आप लोगों ने दिमाग में रखना है जो इसकी टेक्निक होती है ना वो बड़ी सिंपल है इसको हम लोग बोलते हैं कि आप खुद अपने आप को समझें कि आप कस्टमर हैं आप कुछ चीज़ सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे रिलेटेड टू बाइक्स या एक्सेसरीज तो आप क्या लिखेंगे या आप क्या सर्च करेंगे तो मैंने कुछ चार पांच स्टेप्स लिखे हैं ऑब्वियसली ये कोई ये किसी फार्मूले के तहत नहीं लिखे लेकिन इट इज मेड बाई एक्सपीरियंस या साइकोलॉजिकल uh, चीज़ें हैं अगर मैं बाइक से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं बाइक की सेल्स को देखना चाहूँगा सस्ती बाइक जो है फॉर एग्ज़ाम्पल चीप बाइक्स हैं और टॉप बाइक की कंपनीज कौन सी हैं बाइक की एक्सेसरीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हेलमेट से रिलेटेड या ब्रेक से रिलेटेड कुछ चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रांड कौन कौन से अवेलेबल हैं सी डी सेवनटी की प्राइस क्या चल रही है और जो कंपनीज हैं वो कौन सी हैं लेटेस्ट मॉडल कौन सा चल रहा है और मैं ये भी देख सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लाहौर में हूँ तो वो कौन सी जगह हैं लाहौर में जहाँ पे फॉर एग्जांपल इनके आउटलेट मौजूद हैं या शोरूम मौजूद है जहां पे जाके मैं फॉर एग्जांपल बाइक को फिजिकली देख सकता हूँ एंड सो ऑन सो दिस इज अ वेरी स्मॉल ट्रिक स्मॉल गेम ये तीन चार सवाल हैं इन सवालों को अगर आप आंसर करेंगे तो यू विल एबल टू फाइंड आउट सर्टन की सर्टन आंसर देखें जो की होते हैं ना वो नेचुरली भी कभी वंस यानी एकदम आपके दिमाग में नहीं आते इट्स अ प्रोसेस यानी आप आपको चीज सोते हैं फिर वो एक फ्रेज की फॉर्म में आता है सेंटेंस बनता है और फिर होते होते वो कीवर्ड यानी आपको पिक करने पड़ता है सेंटेंस से तो जब आप ये तीन चार स्टेप्स या तीन चार सवालों के जवाब दो तीन मरतबा इसको एटरेट करेंगे तो यू विल हैव अ बिग पूल ऑफ सर्टन कीवर्ड्स या सर्टन रिलेटेड कीवर्ड्स सर्टन सिनेम्स जो कि आप अपनी वेबसाइट पे एज अ कॉन्टेंट अपपुट कर सकते हैं नाउ दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपका रेलिवेंट कॉन्टेंट क्या हो सकता है ना लेट मी टेल यू कपल ऑफ टूल्स जो कि uh, जहां पर जाके आप यही प्रोसेस सिमुलेट भी कर सकते हैं जल्दी यानी यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ क्यूवर्ड्स बाई जस्ट पुटिंग योर योर टाइप ऑफ कॉन्टेंट या अपनी अपनी जो सर्च है वो अगर आप वेबसाइट पर आप लिखेंगे तो मिलता जुलता कॉन्टेंट जो है वो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एंड आई विल शो यू शॉर्टली कि बहुत सारी वेबसाइट मिलता जुलता बहुत ज्यादा कॉन्टेंट आपको जनरेट करके देंगी सो लेट्स ट्राई टू यूज अ कपल ऑफ दो टूल्स जो आपको कंटेंट या कीवर्ड जनरेट करने में मदद करते हैं सो नाउ स्टूडेंट्स द फर्स्ट वेबसाइट इज सोवल डॉट कॉम एस डबल ओ वी एल ई डॉट कॉम अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है लेकिन लुक हेयर एमेजोन गूगल विकीपीडिया आंसर डॉट कॉम यूट्यूब बिंग याहू ई बे बाई डॉट कॉम ओवर स्टॉक डॉट कॉम यहाँ से ये आपके कीवर्ड्स से रिलेटेड जो भी मैचिंग कीवर्ड्स होंगे इन इन सारी सर्च इंजन्स पे वो पिक करेगा फॉर एग्जांपल ये बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बाइक्स तो अब नाउ लुक हेयर अब देखें मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है बाइक्स बाइक्स ब्लूज एंड ब्लॉग बाइक्स ऑन बोर्ड बाइक शेयर या बाइक वर्सेज कॉप बाइक डायरेक्ट अब ये मुझे बाइक से मिलते जुलते और सिनम्स और कीवर्ड या और जो चीज़ें बन सकती हैं जॉइंट बाइक्स डर्ट बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स यानी मुझे ये हेल्प आउट कर रहा है कि मैं अगर बाइक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल या वेब पेज बनाता हूँ तो उसमें कंटेंट में क्या क्या कीवर्ड लिखूँ या क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये लेट सपोज मैं बाइक शेयर लिखता हूँ या बाइक ऑन बोर्ड लिखता हूँ मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरे पास ये मुझे हेल्प आउट करेगा कि मैं यहाँ से पिक करके यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ बाइक सॉल्व अभी देखें बाइक मे यूजफुल लेन अब ये मैं अपनी वोकेबलरी बना रहा हूँ बाइक डायरेक्ट फॉर एग्जांपल मतलब ये मैं ये सारे कीवर्ड्स सेव कर सकता हूँ अपने पास और मैं इसको यहाँ पे अपने पास डाउनलोड भी कर सकता हूँ एक्सेल फाइल में नाउ लुक हियर ये जो ये सी एस फाइल ओपन हुई और ये ये टेक्स्ट फाइल है अब ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो बाइक से रिलेटेड हैं और मैं अगर आर्टिकल लिख रहा हूँ यानी ये मेरे पास नोट पैड ओपन हो गया और ये मेरे पास एक्सेल भी ओपन हो गई तो आई हैव लिस्ट ऑफ ऑल की ये मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ तो ये एक्चुअली मुझे ये क्या हो रहा है मुझे ये कॉन्टेंट बिल्डिंग में मदद हो रही है ये मुझे कॉन्टेंट के तौर पर यानी ये जो वर्ड्स हैं ये अगर मैं बाइक पे कोई टॉपिक लिख रहा हूं तो ये अगर मेरी वेबसाइट के कॉन्टेंट का पार्ट होंगे तो इट विल यू नो हेल्प सर्च इंजन ये एक वेबसाइट थी विच आई वॉन्ट टू डिस्कस दूसरी वेबसाइट एक है ऊबर सजेस्ट लर्स वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बाइक मैं लुकअप करता हूँ तो अब ये बाइक से रिलेटेड अपनी सजेशंस वो मुझे लोड करेगा लुक हेयर अब वो कह रहा है नाइन फिफ्टी की वर्ड फाउंड आइडियाज अ फाउंड फॉर बाइक लुक एट दीज की सेल यानी अब ये ये बेसिकली जो ऊपर सजेस्ट है ये ए से स्टार्ट करेगा अल्फाबेटिकली ए से क्या क्या कॉम्बिनेशन मान सकते हैं ऑल माउंटेन बाइक्स देखें ऑल न्यू बाइक्स मैं सिलेक्ट करता जाऊँ फॉर एग्जाम्पल यहां पर और फिर बी पे आ जाएगा बीच बाइक फॉर एग्जाम्पल बेस्ट बाइसिकल शॉप एंड सो ऑन नाउ इट्स लिस्ट तो ये अल्फाबेटिकली चीजें जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं अल्फाबेटिकली ए के बाद बी बी के बाद सी एंड सो ऑन वो मुझे हेल्प आउट करने में मदद करेगा और मैं फिर इसको एक्सपोर्ट टू सी एस वी यानी डाउनलोड भी कर सकता हूँ और ये बड़ी हेल्पफुल वेबसाइट है तीसरी वेबसाइट जो मैं डिस्कस करना आपसे चाह रहा हूँ कीवर टूल डॉट आयो अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी लिखा हुआ है बाइक तो मैं सपोज अभी मुझे गूगल से रिलेटेड दिखा रहा है यूट्यूब पे भी कर सकते हैं बिंग पे भी कर सकते हैं अमेजोन ई सो ऑन लेट सपोज गूगल पे मैं लिखता हूँ बाइक तो गूगल पे जो बाइक से रिलेटेड सर्चेज हैं वो मुझे वो दिखा रहा है बाइक बाइक लाइट बाइक एक्सेसरीज बाइक जीन्स बाइक रैक बाइक फोल्डिंग बाइक अ बाइक बैग अब बाइक इलेक्ट्रॉनिक ये एक्चुअली मुझे वोकेबरी बिल्ड आउट करने में बहुत हेल्प होती है ऐसी चीज़ों से जब आपको आर्टिकल लिखने जाते हैं तो अगर इस तरह के कीवर्ड्स आपके कंटेंट में होंगे तो दर इज़ अ हाई चांस कि आपका कंटेंट जो है वो रिच होगा और जो क्रॉलर है वो आपके वेब पेज को इंडेक्स करके यूज़र की सर्च में उसको दिखाएगा इसकी प्रॉबिलिटी बहुत बढ़ जाती है तो दीज आर द टूल्स विच आई वन टू डिस्कस जब हम की जनरेशन एम प्लानिंग की बात करते हैं